आपको दिल की बीमारी कब हुई थी? 1 साल पहले, पिछले साल 27 फरवरी को, 2015 में। 2015 तो डॉक्टर क्या बोला था? डॉक्टर जो नज़दीक के डॉक्टर थे वो कहे कि लेके जाइए इसमें PMCH, इंदिरा गांधी हार्ट वाले में। तो वहाँ के डॉक्टर क्या बोले? बताया गया कि वो हार्ट अटैक है। वहाँ पे जब आप भर्ती थी तो दवा दी जाती थी, नहीं, हमको तो बाद में पता चला कि दवा सब बाहर से खरीद के आती थी। और उसके बाद इलाज के दौरान आप कहाँ से दवा खरीदती थी? पटना के अशोक राजपथ पर स्थित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान एक सरकारी अस्पताल है, जिसका निर्माण सरकार द्वारा इस उद्देश्य से किया गया था ताकि सूबे के हृदय रोगियों को एक अच्छी सुविधा और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों से इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के मुफ्त दवा वितरण केंद्र पर 3 दवा के अलावा एक भी दवा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। दवा खरीदने में कितना खर्चा हो जाता है प्रति महीने? 15 से 2 हज़ार के बीच में। आपकी मासिक आय कितनी है? 55 सौ तो इसमें आप किस तरह से अपना अपने बहुत दवा के मुश्किल साथ? से गुजारा होता है। बहुत दवा के लिए बहुत काटना पड़ता, कटौती करना पड़ता है। तो क्या लगता है कि अगर सरकार की तरफ से मुफ्त दवा वितरण केंद्र में सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं तो उससे क्या लाभ होगा? हम बहुत लाभ होगा, दवा हम लोगों को आसानी से मिलेगी, पैसा का बचत होगा, वही पैसे से कुछ खाएंगे पिएंगे या भी कुछ करेंगे, काम करेंगे। वहाँ हॉस्पिटल में तो ले जाने पे सबके सामने ही ECG करने लगते हैं ये लोग, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, खुले में ये इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बाथरूम रहता है बहुत दूर, और वो कहते हैं कि मैं हार्ट पेशेंट को हिलना नहीं है, मगर बाथरूम बहुत दूर रहता है। ये सारी परेशानी है, इस पर गौर करना चाहिए। मेरे और मेरे समुदाय की ये मांग है कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा मुफ्त दवा वितरण केंद्र में सारी दवाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी मरीज को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो देखने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि पटना के सिविल सर्जन के इस नंबर पर 99 55 16 39 35 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं और बदलाव लाने में हमारी मदद करें। मैं आमिर, अशोक राजपथ, पटना बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।